हेलो फ्रेंड्स, अब जो आज हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, इनको बच्चा लगने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं बच्चे की, लेकिन इनकी अंदर एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है, जिसकी वजह से बच्चेदानी के अंदर 7.5 सेंटीमीटर का, यानी कि इतनी बड़ी गांठ बन गई है, और दोनों तरफ की ओवरीज के अंदर चॉकलेट सिस्ट बनी हुई है। चॉकलेट सिस्ट यानी ब्लड क्लॉट्स की एक गांठ बन जाती है, ओवरीज के अंदर बनती है जो चॉकलेट जैसी दिखती है, इसीलिए उसे चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। तो दोनों ओवरीज के अंदर चॉकलेट सिस्ट है, बच्चेदानी के अंदर यूट्रस के अंदर बड़ा सा फाइब्रॉइड जैसी गांठ है, जिसको कि एडिनोमायोमा कहते हैं। और बार बार प्रेगनेंसी खराब होने के कारण इसने IVF भी ट्राई किया था, IVF 2 बार फेल हो गया है, क्योंकि इसके दोनों तरफ की जो नलियां हैं उसके अंदर काफी ज्यादा पानी भर गया और ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं। तो जो पानी भर जाता है या ब्लड क्लॉट्स जमा हो जाते हैं, तो वो गंदा पानी बच्चे को खराब कर देता है, इसकी वजह से इसके 2 IVF फेल हो गए। और इसने पहले भी 2 बार ऑपरेशन करवा लिया है गांठ निकालने का, लेकिन ये गांठे बार बार दोबारा बन रही है। और एक ऑपरेशन इसने दोनों तरफ की जो नलियां थी उनको बच्चेदानी से डीलिंक करने के लिए किया जाता, ताकि IVF सक्सेसफुल हो जाए। तो इस तरीके से इन लेडी के 3 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 बार IVF हो चुका है, उसके बाद भी इसके इतनी बड़ी गांठें बन चुकी हैं। तो अब हम इसका एंडोमेट्रियोसिस की रेडिकल सर्जरी करने जा रहे हैं। बट जितनी भी रेडिकल सर्जरी करें, हम बच्चेदानी को पूर्णतया सुरक्षित रखेंगे, बच्चेदानी को डैमेज नहीं होने देंगे, ताकि इसका IVF सक्सेसफुल हो सके आगे, और कोशिश करेंगे इसकी ओवरीज में भी किसी प्रकार का डैमेज ना हो। यूट्रस और ओवरीज को बिल्कुल सही बचाते हुए हम दोनों की गांठें निकालेंगे, और जितने भी एंडोमेट्रियोसिस के प्लाक्स हैं, क्लॉट्स हैं, और जो भी जमा हो गया है अंदर बच्चेदानी के आसपास के एरिया में, यानी कि यूट्रस के पास में अपना ओवरीज होता है, ब्लैडर होता है, रेक्टम होता है, यानी कि आंतें होती हैं, वहाँ जितने भी नोड्यूल्स हैं या जितने भी इसके लीजन्स हैं एंडोमेट्रियोसिस के, वो सारे के सारे हम साफ करेंगे, ताकि इसको एक अच्छी प्रेगनेंसी हो पाए और इस स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। तो देखते हैं हमारी कोशिशें कितनी सफल होती है, हम आपको से सुबह फिर बात करेंगे। हमने कल भी आपसे बात की थी कि इनका कल 3 बार पहले से ऑपरेशन हो चुका है, इनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम थी, और एंडोमेट्रियोसिस के चलते दोनों तरफ की ओवरीज में काफी बड़ी बड़ी गांठें थी, और दोनों तरफ की नलियों में भी ब्लड क्लॉट जमा हो गए थे, दोनों तरफ की नलियां खराब हो गई थी, जिनको इन्होंने यूट्रस से भी कनेक्शन हटाने के लिए ऑलरेडी एक सर्जरी कराई हुई थी, और दोनों अंडेदानी के अंदर गांठ होने के कारण उन्होंने 2 बार ऑलरेडी सर्जरी कराई हुई थी। अब इनके बच्चेदानी के अंदर भी एक इतनी बड़ी 7 सेंटीमीटर की गांठ बन गई थी, और इन्होंने 2 बार IVF कराया, लेकिन गांठ और सिस्ट के चलते इनका 2 बार IVF फेल हो गया है। तो इन्होंने 4थी बार ये हमसे मिले हैं, तो अब इनसे जानेंगे कि आगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमें बहुत अच्छा लगा, और ऑपरेशन बढ़िया तरीके से हुआ, और बाकी बहुत अच्छा लगा। आपको पहले क्या सवाल, बहुत अच्छा है, क्या क्या परेशानी आई आपको? इनके बहुत हैवी ब्लीडिंग होती थी, और काफी पेन रहता था, टैबलेट स्पास वगैरह लेती रहती थी, और काम भी नहीं हो पाता था, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब इनका देखो आगे, तो भाई 7 दिन के बाद दोबारा बनाएंगे ना आपका वीडियो, 7 दिन के बाद अभी। लेकिन अभी तक सर्जरी के दौरान आपको कोई तकलीफ रही, आपको कुछ पता चला? नहीं, आपको कुछ पता नहीं चला, बाकी कोई दर्द तकलीफ कोई परेशानी? नहीं, बस वही प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने की, वो थोड़ी सी गैस के कारण होती है, वो ठीक हो जाएगी अपने आप से।